हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। पनीर की ये डिश जितनी देखने में टेम्पटिंग लग रही है, उससे कहीं ज्यादा लजीज ये बन करके रेडी हुई थी। अगर आप भी पनीर के फैन हैं तो ये डिश जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी। कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, आइए देख लेते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, और उसके बाद मैंने लिया है इसमें थोड़ा सा दही जो जाएगा 100 ग्राम के करीब, 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी, 2 टीस्पून दूध की मलाई ली है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 12 से 15 काजू लिए हैं, 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक, हरी मिर्च, 2 टमाटर, 2 प्याज, और होल स्पाइसेस में मैंने 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून जीरा और 2 तेजपत्ता लिया है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे पहले काजू का पेस्ट बना ले रही हूँ, 2 प्याज जो थे उसको भी ग्राइंड करके पेस्ट बना लूँगी, टमाटर और हरी मिर्च का एक अलग से पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है, तो ग्राइंड करके ये सारे पेस्ट रेडी हो गए। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले एक पैन को अच्छे से हीट कर लेना है और उसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के हीट हो जाने पर इसमें ऐड करेंगे ये सारे होल स्पाइसेस, और जब ये होल स्पाइसेस क्रैकल हो जाएंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर देना है और इसे चलाते हुए ऐसे ही स्टर फ्राई करना है। तो 1 मिनट चलाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इस पेस्ट को हमें बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि इसमें जिंजर गार्लिक और प्याज की रॉ स्मेल ना निकल जाए। तो गैस की फ्लेम लो करके पैन के लिड लगा दीजिए और इसको 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। 5 to 7 मिनट्स के बाद पैन की लिड हटा के चेक कर लीजिए, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें ऐड कर दीजिए टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। गैस की फ्लेम लो कर दीजिए और पैन के लिड लगा दीजिए। जब तक कि हमारा मसाला ये रेडी हो रहा है तब तक ही हम पनीर के क्यूब्स को फ्राई कर लेते हैं। पैन में बहुत ही थोड़ा सा ऑयल लेकर के पनीर के क्यूब को फ्राई कर लेना है। इन पनीर के क्यूब्स को आपको दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो जाने पर गैस की फ्लेम ऑफ करके साइड में रख देना है। दूसरे साइड पे जो मसाला फ्राई हो रहा था उसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से भुन गया है, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसमें। गैस की फ्लेम लो करके इसमें ऐड कर दीजिए दही, और दही को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। जब तक कि उसमें बॉईल ना आ जाए तब तक कि उसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए पनीर क्यूब्स, और पनीर क्यूब्स को इसको मिक्स करके मसाले के साथ थोड़ा पकने दीजिए ताकि इसमें मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। 1 से 2 बार चलाने के बाद इसमें ऐड कर दीजिए काजू का पेस्ट। मिक्स करके इसमें ऐड कर दीजिए क्रीम। इसमें मैं सिर्फ 1 टीस्पून क्रीम ही ऐड कर रही हूँ। अभी 1 टीस्पून क्रीम मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लिया है। ऊपर से ऐड करें इसमें कसूरी मेथी, और ये शाही पनीर बनके रेडी है। मसाले की कंसिस्टेंसी अगर आपको थिक लगे तो गर्म पानी का यूज़ करके आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग सेट करें। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पनीर की रेसिपीज़ अगर आपको पसंद है तो मेरी पनीर बटर मसाले की रेसिपी देखना ना भूलें। होप कि आपको वो भी बहुत पसंद आएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।